ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक अच्छे विद्यार्थियों में डॉक्टर गगन है, जिसने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। चलो बच्चे हैं, मैं बच्चा ही कहता हूँ कि वो कुछ भी कह सकते हैं, बाकी उनकी मर्जी है, जैसा उन्होंने मेरे को देखा है। तो बात है होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर मैंने बात करनी है। तो जब गगन से बात हो रही थी तो वो उसने होलिस्टिक हेल्थ के बारे में कहा, तो और बातें करते करते उसने बताया कि यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट भी होकर गए हैं, और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी होकर गए हैं, और एक आ, आ, मोटापे के एक्सपर्ट भी होकर गए हैं। वो ऐसे मतलब कि इस प्लेटफार्म पर लोग आते रहते हैं। तो उसी मतलब कि सिलसिले में आज मेरे को बात करने का मौका मिला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके जो भी दर्शक हैं, आपके जो भी सुनने वाले हैं, मतलब कि जो इस होलिस्टिक हेल्थ को जानना चाहते हैं। अगर मैं होलिस्टिक हेल्थ को मतलब कि अनुवाद करूं तो वो है संपूर्ण सेहत, मुकम्मल सेहत, मतलब कि जिसको हम कहते हैं। अब मुकम्मल सेहत तो सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारी सेहत मुकम्मल हो, ठीक ठाक हो, पूरी हो, संपूर्ण हो। पर हमें मैं सही में कहूँ तो मुझे लगता है कि हमारा जो समझने का तरीका है कि संपूर्णता का क्या मतलब है, हम संपूर्ण किसे कहते हैं। हमारे समाज में जो मैं कहूँ कि आसे पासे सारे सेहत को हम सिर्फ से सिर्फ शरीर से साथ जोड़ते हैं। अभी शारीरिक सेहत ही सेहत है, मतलब अगर शरीर में कोई तकलीफ होती है, कोई समस्या होती है, तो हम उसके लिए चिंतित होते हैं, फिर हम उसके लिए डॉक्टर को ढूंढते हैं, इलाज चाहते हैं, अपने आस पड़ोस में भी, अपने दोस्तों से इससे भी बात करते हैं, मतलब ऐसा हो रहा है। तो हमारे समाज में एक बात और देखने वाली है कि हमारे समाज में हर कोई डॉक्टर है, हर एक के पास कोई ना कोई टोटका, कोई नुस्खा, कोई ना कोई घरेलू इलाज हमारे सभ्याचार में मौजूद है। ये नहीं है कि वो सब मतलब कि वैज्ञानिक नहीं है, उसका भी एक लंबा मतलब कि इतिहास है, हमारा आयुर्वेद का इतिहास है। घर में चाहे वो पुदीना है, धनिया है, कि हमारे मिसाले मसाले हैं, वो सारे के सारे ही कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई तंदुरुस्ती हमें ठीक करने में मदद करते हैं। अगर मैं कहूँ कि शारीरिक सेहत ही सिर्फ सेहत नहीं है, अब हम थोड़ा बहुत समझने भी लगे हैं, क्योंकि हमारे अगर हम अस्पतालों का देखें तो अस्पतालों में शारीरिक सेहत के साथ अब मानसिक रोगों का भी एक अलग से विभाग बन गया है, सेकेट्री जिसे कहती है। तो उसमें तो हमें अब पता है भी कोई मन की समस्या भी होती है, हम किसी को बताते हैं कि हमें कोई बेचैनी है, परेशानी है, उदासी है, निराशा है, तो हमें फिर कहा जाता है कि आप किसी डॉक्टर से मिलो। वैसे ऐसी बातों के लिए हम बहुत ज्यादा उतना चिंतित परेशान नहीं होते, हमें हम उतने गंभीर भी नहीं होते कि हम मतलब कि उसे फौरन ही उसे भेज दे भी जाओ जाकर किसी मनोवैज्ञानिक से मिलो। और हमारे मनोविज्ञान का जो या मनोरोग का ऐसा एक बड़ा हुआ है दृश्य, हमारे दिमाग में एक तस्वीर ऐसी बनी हुई है कि पता नहीं मनोरोग विभाग में जाने का मतलब है कि मैं कोई पागल हूँ, मतलब कि हम इसको पागलपन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शुरुआत जब इसकी हुई थी तो उसको मतलब कि हम मतलब कि पागलपन के साथ ही, जैसे हमारे पुराने जो हॉस्पिटल होते थे, जो मतलब कि जिनको हम पागल खाना कहते थे, तो उसके साथ जुड़ा हुआ था हमारा ये परिपेक्ष। धीरे धीरे उसका नाम भी बदल दिया गया, मतलब कि वो पागल खाना नहीं है, वो आप उसका नाम मेंटल इंस्टीट्यूट है, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। तो कहने का मतलब ये है कि हम मन के बारे में थोड़ा सा समझे कि अवेयर हुए हम, थोड़ा सा इसके बारे जाना कि भी शरीर के साथ एक मन की समस्या भी होती है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर संपूर्ण सेहत की बात करें, मैं अब ठीक ठाक हूँ, सुबह उठकर मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई समस्या नहीं है, मैंने नाश्ता भी किया है, पर रास्ते हुए मैं सोचता जा रहा हूँ कि मेरे बच्चे ने प्लस टू किया है, अब उसको पता नहीं कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या दिक्कतें आएंगी एडमिशन के लिए, है ना, कितनी फीस देनी पड़ेगी, क्या चक्कर होगा, कैसे अरेंजमेंट करूंगा, ये परेशानी है हमें, ये बेचैनी है जिसके साथ मैं जा रहा हूँ। शारीरिक तौर पर मुझे कोई तकलीफ ही है, मुझे कोई बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, पर ये एक बेचैनी है, और इस बेचैनी को हम मतलब कि कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं समझते। जब तक वो
जैसे कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है वो जो सिर के पार ना चली जाए, तब तक हम उसे समस्या नहीं समझते। जब वो हमें हमारे शरीर तक पहुंच जाती है, जैसे मैं करूं तो मन की समस्या, जैसे आपको निराशा है, उदासी है, आपको निढाल कर दे, घर में पड़ा रहने दे, उठने का मन ना करे, तब हम जाकर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। इसकी जो शुरुआती अवस्था है उसमें हम उसके बाद नहीं जाते, तो ये एक दूसरी बात है। आप शाम को घर वापस आए बेचैनी परेशानी के साथ ही, आपका वहां पर काम नहीं हुआ, और शाम को जब आप घर आए तो आपने आकर अपने परिवार में अपनी पत्नी को बताया कि आज मुझे मेरे बॉस ने बहुत डांटा, बहुत झिड़का, है ना, मेरा कोई कसूर भी नहीं था, है ना, तो सारा कुछ ठीक ठाक था। तो ये भी एक जो है हमारे रिश्तों में जो मतलब की समस्या है बन जाती है, तो उसको भी हम बहुत तो मतलब की संजीदगी से नहीं लेते। मेरा कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण सेहत या मुकम्मल सेहत में हमें मतलब की शरीर के साथ मन की बात है, और तीसरा मैं जोड़ना चाहूंगा कि इसमें हमारे जो रिश्ते हैं उनको भी जोड़ना चाहिए। भी हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारे आस पास पड़ोस में, परिवार में, हमारे ऑफिस में, दफ्तर में, यानी कि ये तीनों ही है, क्योंकि ये तीनों चीजें ही परेशान करती हैं आपको। शरीर की तकलीफ जो तो दर्द होता है वो तो आपको साफ मतलब कि आपको महसूस भी होता है, जिसके लिए आप दवा लेना चाहती है। मन की परेशानी उतनी मतलब कि आपको तकलीफ नहीं देती कि आपको दवा लेने की जरूरत पड़े या किसी से कंसल्ट करने की बात करनी पड़े। रिश्तों की बात तो मैं अभी जो जोड़ रहा हूँ, मतलब कि रिश्तों में जो खटास है, रिश्तों में जो दरार है या दूरी है या उसमें जो फासला बढ़ रहा है हमारा, उसे भी हम अभी तक संजीदगी से नहीं लेने लगे। भी हम ये करेंगे क्यों बात नहीं, हम उसको उस तरह से जोड़ते हैं, उसके साथ ठीक है, उसने रिश्ता रखना हो रख ले, नहीं रखना हो ना रख ले, तो हम बेचैन परेशान होते रहते हैं पर उस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश नहीं करते। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर हम मुकम्मल सेहत की बात करें तो हमें ये तीनों धरातल पर कह लो कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, मैं जिसको कहता हूँ, या रिश्तों के उस पर, या इसको बड़े सिंपल से शब्दों में और कहूँ तो शरीर की बात तो है ही है, दूसरा है हमारे एहसास और हमारे रिश्ते। ये एहसास और रिश्तों में भी जब तक हमें पूरी तरह से अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते, तब तक हमें मानना पड़ेगा कि हम पूरी तरह मुकम्मल शोर से सेहतमंद नहीं है, जिसको हम होलिस्टिक या मुकम्मल सेहत की परिभाषा में लाना चाहते हैं, उसके उस दायरे में लाना चाहते हैं। अगर मैं एक एक पहलू पर बात करूं, सबसे पहले मान लो शरीर पर बात करते हैं, तो हम शरीर की सेहत को भी अब कैसे लेते हैं और लेने लगे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जैसे मुझे गगन ने बताया कि यहाँ पर एक हार्ट के स्पेशलिस्ट भी बात कर कर गए, अब हम पूरे शरीर को कैसे हम लेते हैं, सिर से लेकर पांव तक, पांव के क्या कि हमारी पांव की उंगलियां तक, अंगूठे तक जो है वो हमारा शरीर है। सिर से शुरू करें तो हमारा दिमाग है, मतलब कि फिर गला है, नाक है, मतलब कि कान है, फिर हमारी छाती है, उसमें फेफड़े हैं, फिर पेट है, पेट के अंदर जिगर है, पेट के अंदर किडनी है। तो अगर हम देखें तो हमने सभी के अलग अलग आज डॉक्टर पैदा कर लिए हैं। अगर मैं कहूँ कि ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ये कोई ऐसा भी नहीं है, पर जो दिक्कत वाली बात है, जो तकलीफ वाली बात है, जो मतलब कि समस्या बन रही है, वो ये है कि आप दिल की डॉक्टर के पास जाओ, उसे कहो कि मेरे को थोड़ी सी पेशाब की भी तकलीफ है, मेरे को थोड़ा सा इस साइड पे दर्द होता है जहाँ पर मतलब कि किडनी होती है, जहाँ पर गुर्दे होती हैं, वो कहेगा कि ये मेरा काम नहीं है, आप किसी गुर्दे वाले डॉक्टर के पास जाकर बात करो। इसी तरह से कोई भी और आप किसी भी समस्या के साथ जाओ और आप उनको बताओ कि मुझको ये समस्या ऐसे भी साथ में हो रहा है, वो डॉक्टर आपसे मतलब कि बात करने के लिए, मान लो कि वो अकेला ही है, बड़े अस्पताल में तो ठीक है कि आपको दो वार्ड छोड़कर, दो कमरे छोड़कर उसका स्पेशलिस्ट मिल जाएगा। आप एक शहर में हैं तो भी आपको वो कहेगा कि वो शहर के दूसरे कॉर्नर में जाओ, वहां पर एक मेरा दोस्त है, मैं उसको फोन कर दूंगा, वो आपको अच्छी तरह से देख लेगा। मैं समझता हूँ कि भी हमने पूरे शरीर का, मैं एज ए मेडिकल का मतलब की विद्यार्थी होने के नाते जब मैंने MBBS किया है तो मैंने सारी शरीर की चीर फाड़ करके देखी है, डिसेक्शन किया है बॉडी का, डेड बॉडी का। आजकल तो डमीज आती है, तो मैंने तो एक्चुअल डेड बॉडी पर मतलब कि उसके डिसेक्शन करके देखा है। सिर से लेकर पांव तक सारा शरीर आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब ये हम ये नहीं कह सकते, हम खुद महसूस कर सकते हैं कि किसी भी हिस्से में दर्द हो
आप ये नहीं कह सकते भी चलो किडनी का दर्द है कोई बात नहीं, मुझे तो टांगों से ही काम करना है, मैंने तो काम पर जाना है तो कोई बात नहीं मैं जा आता हूँ। दिल में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं मैं कुछ भी खा सकता हूँ, है ना, मेरे को तो पेट में ही खा डालना है। तो आप खा भी नहीं सकते जब आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका सारा शरीर रुक जाता है जब आप इस तरह से, मतलब कि एक ही हिस्से में कोई दर्द होता है। तो एक बार मतलब कि इसको एक कहानी के रूप में भी ऐसे समझाया जाता है, मतलब कि मान लो कि आपके जो पाँव है मतलब कि उनको चल के जाना है, तो मान लो वो स्ट्राइक कर ले भी हमारा तो कोई ख्याल नहीं रखता, है ना, सभी दिल का ही ख्याल रखते हैं, सभी आंखों का ख्याल रखते हैं, हमारा कोई ख्याल नहीं रखता, हमने तो काम नहीं करना। तो वो बैठ बैठ जाए और वो कहीं बाहर ना निकले, काम करने ना जाए, तो आप कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, लाएंगे क्या। तो इसी तरह से फिर मतलब कि आप देखते जाएंगे धीरे 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 आपके सारा सारा शरीर जो है वो रुक गया है, वो रुकावट हो गई, वो शिथिल हो गया है। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ तो फिर ये एक संदेश है कि सारी बॉडी जो है वो रुकी हुई है। अगर फेफड़े रुक जाए तो क्या आप मतलब कि सांस ले सकोगे, सांस नहीं ले सकोगे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपका सारा शरीर काम करना बंद कर देगा। यानी कि इन बातों से हमें पता चलता है कि हमारा सारा शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है कि एक पार्ट के लिए आप बाहर हो उसका समस्या को समझना, पर साथ में ये बात भूल जाना कि भी मैं बाकी सारे शरीर का भी थोड़ा बहुत उसको जानता हूँ। आपको राय लेनी है अलग बात है, आपसे किसी से बात करनी है, चर्चा करनी है, वो अलग बात है, पर ये भूल जाना कि मुझे सिर्फ हार्ट के सिवा और कुछ नहीं पता है। तो कहने का मतलब ये जड़ी जो तोड़फोड़ वाली टेक्निक है इसको मैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच कहता हूँ। ये हमारी पहुंच जो है वो टूटी हुई अप्रोच है, हम एक एक अंग को अलग अलग तरीके से जो देखने लगी है। अब बात करें संपूर्ण सेहत की, बात करते हुए अगर हम कहें तो हमने सेहतमंद रहना है, ये हमारा उद्देश्य है मतलब की। तो आप सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो सबसे पहली जो जरूरत है वो क्या है, वो जरूरत हमारी है खुराक, है ना। खुराक खुराक के बगैर आप बिल्कुल आगे नहीं चल सकते। पर खुराक की बात जब करते हैं तो आज हम खुराक के बारे में एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर खाक जो खुराक के विशेषज्ञ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करते हैं, MSc का कोर्स है, तो वो हम करते हैं। तो उसके लिए हमने जाना है कि हमने चलो एक अपने विज्ञान को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सारी बातों को जानना बहुत अच्छी बात है। हमने जाना है कि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमको प्रोटीन चाहिए, हमें को फैट चाहिए, हमें मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए। तो ये क्या कहता हूँ कि मैं कि ये मोटे मोटे जो मेन ग्रुप है जो हमें मतलब कि इनको हम मतलब कि एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, हमें प्रोटेक्टिव फूड भी कहती है, और इनको रिपेयरिंग फूड भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी में रोज कुछ ना कुछ टूट रहा है। जैसे हम बड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी डीजनरेट करती है, बुढ़ापे की तरफ शरीर जाता है, जो तो ये टूटने की जो मतलब कि जो तरीका ये प्रोसेस है प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहती है। तो अगर हम देखें तो हमें सब कुछ चाहिए, जिसे वैसे हमने बैलेंस डाइट और संतुलित खुराक के नाम पर समझते भी हैं, समझाते भी हैं, पर हम आज धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो कोई है वो प्रोटीन के पीछे पड़ा हुआ है कि प्रोटीन जो है वही सबसे अहम है, और बाकी आपको मिले ना मिले प्रोटीन जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, उसकी अपनी अहमियत है, वो उसको हम नहीं कह सकते कि उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम फैट की बात करें तो पिछले कुछ समय में फैट ने मतलब कि जो इम्पोर्टेंस मतलब कि हासिल की है, या जो उसके बारे में हमारे पास ज्ञान इकट्ठा हुआ है, अगर उसकी बात करें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल को हमने अलग से उभारना शुरू कर दिया है, ओमेगा 3 को अलग से उभारना शुरू कर दिया है। तो ये सारी बातें, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, देसी घी, रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल में फिर हमने फिर ऑलिव ऑयल, और ऐसे कई मतलब की जो है जो इसकी फैट की किस्में हैं वो हमने अपने सामने रखी है, और इसको बहुत ज्यादा इस तरह से प्रचार किया है, एक बाजार सा जुड़ गया है हमारे मतलब कि आसपास। कहने का मतलब है कि हमारी सेहत को प्रीमियम मतलब कि फूड के नाम से एक बाजार जो है वो हमारे हमें हमें संचालित कर रहा है, हमें चला रहा है, या हमें पीछे लगा रहा है। वो अगर बात करें, अब मैं आपको एक इसी का ही बात बताता हूँ, जैसे कोलेस्ट्रोल की बात है, आपने देखा होगा कि कई तेल घी हैं जो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के में से बताती है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसको मतलब कोलेस्ट्रॉल फ्री है।
तो वो एक ऐसा मतलब कि मैसेज जाता है कि ये जो इन्होंने सरसों का तेल है या मूंगफली का तेल है या और सोया अपने सोयाबीन का तेल है या सूर्य सनफ्लावर का ऑयल है, उसमें से मतलब कि इन्होंने मतलब कि कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल दिया है, जिसको हमने ये कहकर कि ये बहुत खतरनाक है, दिल की सारी बीमारियां कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम प्रचार करते हैं कि इसमें से कोलेस्ट्रॉल जैसे इन्होंने निकाल दिया है। फिर हम उस तेल को लेने के लिए भागते हैं, फिर हम पैसों की परवाह भी नहीं करते। अब मैं जो सच्चाई इसके पीछे ये है कि कोई भी जो तेल है, खास तौर से जो वेजिटेबल सोर्स से बना है, जैसे मूंगफली है, चाहे सनफ्लावर है, चाहे सोया है, चाहे मतलब कि सरसों का तेल है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ सिर्फ एक ही सोर्स है, एनिमल सोर्स है। वो एनिमल सोर्स से आता है, वो दूध में है, दूध से बने हुए सारे जो पदार्थ हैं उनमें है, हम मीट है, मटन है, एग है, मच्छी है, इन सभी में वो कोलेस्ट्रॉल है, जितनी भी मात्रा में, अलग अलग मात्रा में हो सकता है, पर किसी भी वेजिटेबल ऑयल में नहीं है, देसी घी में है। तो ये जो प्रचार है जो हमने कोलेस्ट्रॉल को लेकर मतलब की किया है और लोगों में एक ऐसा का माहौल बनाया है, डर का माहौल बनाया है, तो इसको समझने की जरूरत है कि कैसे जो प्रचार है वो हमें इस तरह से बहका रहा है और हमें तोड़ तोड़ कर चीजों को सामने रख रहा है कि जैसे मतलब कि घी जो खाना है तो वो कौन सा खाना है। और ये इसके लिए भी हमें फिर ये नहीं मालूम बताया जाता कि कितना खा सकते हैं। कभी हम हमको देसी घी से डराया जाता है, कभी हमको रिफाइंड ऑयल से। अब रिफाइंड ऑयल के बारे भी आने लगा है कि रिफाइंड ऑयल जो है वो भी बहुत ज्यादा, उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसको साफ करने में जो है उसके, है ना, इस तरह से एक ट्राइग्लिसराइड की बात है, इस तरह से जो मतलब कि जब फैट को अपने तेल को वेजिटेबल बनाते हैं उसमें ट्रांस फैट की बात है। तो ये मैं बता दूं, फैट का जो इतना आगे 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 हम उसको विभाजित करके देख रही हैं। फिर बात आती है विटामिन्स और मिनरल्स की, जिसको प्रोटेक्टिव फूड कहती है। प्रोटेक्टिव फूड है, एक एनर्जी फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट को तो हमने जैसे अपने खाने में मतलब कि उसको एक कल्प्रिट एक मत के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सबसे सारी बीमारियों की जड़ ही जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हमारे हमारी कनक है, चाहे जैसे हमारे मैदा है, आटा है, उसमें फिर जो मिलेट्स की बात है आप आने लगी। अब मिलेट्स जो है वो बढ़िया है, मतलब कि हमें जो जो मोटा मतलब कि जो है हमारे पास, और एक ब्रीक अनाज है, इनको हमने इसमें डिवाइड कर दिया है। तो कहने का मतलब है भी कार्बोहाइड्रेट को ले ले, प्रोटीन को ले ले, फैट को ले ले, और इस तरह से अब तो जो तीसरा ग्रुप है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँ कि वो है प्रोटेक्टिव, जो हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाता है। हमारी शरीर में एक बहुत ही खूबसूरत मतलब की एक प्रणाली है जिसको हम सुरक्षित प्रणाली कहते हैं, जो इम्यून सिस्टम है, जिसको हमने पीछे कोरोना के समय में सामने जाना मतलब की जो कि वैसे ना ही डॉक्टर बताते हैं कि आप बीमार हुए हो, आपकी बीमारी का कारण क्या है, कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, आप उसको थोड़ा सा स्ट्रोंग करो। हम मतलब कि जो मैं कहूँ कि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात है, जो मैं एज ए डॉक्टर के तौर पर वो जो किताब भी दिखा रहे थे दवाइयां अनुहार वाली, तो क्वेश्चन वही है कि हमें मतलब कि दवाइयों पर टिकाए रखने के लिए जो ये सिस्टम है मेडिकल का, मैं इसको इस तरह से लेता कि हम जितनी भी जो खोज कर रहे हैं, सर्च हो रही है, वो सारी बीमारियों पर हो रही है, हेल्थ पर नहीं हो रही। जैसे आपने जो बहुत अच्छा टॉपिक है कि जो होलिस्टिक हेल्थ की बात हो रही है, पर हम डिजीज से डिजीज की बात करते हैं कि बीमारी के ऊपर हम खोज करते हैं, अब ये बीमार क्यों हुआ, हम इस पर खोज काम करते हैं कि ये सेहतमंद क्यों बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। ये नहीं मैं कहता कि भी हमारी जो सभी बीमार है, बहुत से लोग हैं जिनको मुझे मिलती है 50-60 साल की उम्र के लोग हैं जो कहेंगे कि मैंने आज तक कोई दवाई नहीं खाई, आज तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, मुझे बीपी भी नहीं है, मुझे डायबिटीज भी नहीं है, तो उनको स्टडी करने की जरूरत है, उनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है कि वो कैसे अपने आप को अपनी सेहत को संभाल पाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं, ये हमारी सारी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको स्ट्रोंग करने के लिए जरूरत है। अब इसी के चलते ही हमने एक एंटीऑक्सीडेंट जो है उसको एक नया नाम दे दिया है। एंटीऑक्सीडेंट में हमने कुछ विटामिन्स और मिनरल पहचाने हैं। यहाँ मैं होलिस्टिक के साथ ही एक जुड़ी हुई बात इस मिनरल्स और विटामिन से आपके साथ करता हूँ। जब मैं मतलब कि छोटा था तो जब सैंडोज की कैल्शियम की गोली आती थी, बच्चों को खिलाते थे, खासतौर पर जो
जो मिट्टी खाते थे बच्चे, तो उनको कहते थे भी उनकी जो मिट्टी खाने की जो उसके अंदर आ रही है भावना आ रही है, जो उसको ललक हो रही है मिट्टी खाने की, उसको आप कैल्शियम की गोलियां खिलाओ, मतलब कि वो मिट्टी खाना बंद कर देगा। पर धीरे धीरे पता लगा कि आप जो कैल्शियम की गोली खिला रहे हो वो भी मिट्टी ही है। कैल्शियम कहाँ से बनता है वो भी हमें पता है भी, वो जो हमारा चूना है उसी में से, जो वो मिट्टी से निकाला हुआ है उसी से कैल्शियम की गोलियां बनाई गई थी। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम की कमी है और हम कैल्शियम की गोली खिला रहे हैं तो वो काम नहीं करने वाली। कैल्शियम की गोली आप खा लो चाहे, आप वो काम नहीं करेगी, क्योंकि कैल्शियम को हमारी बॉडी में जाने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। अब आप देखो जो कोई भी गोली आपको कैल्शियम की विटामिन डी के बगैर नहीं मिलेगी, तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों आपस में उनका कम्बिनेशन है। यानी कि ये एक अप्रोच है जो हमें बताती है कि कैसे हमें सभी चीजों की जरूरत है और किस मात्रा में जरूरत है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब मैं पढ़ता था, उससे भी पहले की बात कहूंगा, कि हमारे जो लोगों में खास तौर पर औरतों में खून की कमी की बात आती है, तो 50 साल से मैं कम से कम देख रहा हूँ कि जो खून की कमी है वो तकरीबन हमारी 60% महिलाओं में है, और जब वो गर्भवती होती है तो वो 75% तक औरतें वो मतलब कि जो है वो खून की कमी से अनीमिया का शिकार हो जाती है। और उसके लिए हमने क्या प्रोग्राम चलाया हुआ है, तो हम सोचते हैं भी खून की कमी के लिए जो उसका हीमोग्लोबिन कम है तो उसमें हीमोग्लोबिन में हम उसको आयरन की गोलियां देते हैं। मैं कहता हूँ 50-60 साल से हम लगातार आयरन की गोलियां बांट रहे हैं। आज भी जो औरत गर्भवती होती है उसके लिए हमारे नेशनल प्रोग्राम में 100 गोलियां खिलाने का चलन है। 100 गोलियां हम खिलाते हैं लगातार 100 दिन के लिए, पर आज तक हम खून की कमी को पूरा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही पक्ष पर जो है वो ज्यादा जोर दिया, वो आयरन की बात है। अब जब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, उसमें हीम है जो वो आयरन है, ठीक है बात, पर ग्लोबिन की बात है जो उसका साथ ग्लोबिन है, जिसने आयरन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाना है, वो ग्लोबिन प्रोटीन है। तो आयरन और प्रोटीन दोनों मिलेंगे तभी हीमोग्लोबिन बनेगा, और हमने कभी उसको मतलब कि समझने की कोशिश नहीं की। ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, वो प्रोटीन तो वो आपको मिलेगा खुराक से, तो आप कोई खा नहीं रहे हो, खाने को मिल नहीं रहा है, उसके लिए दिक्कत है, तो वो उसकी कमी पूरी नहीं होने वाली। तो हीमोग्लोबिन का जो कहने का मतलब, हमें ये बात जो समझने की जरूरत है। तो इस तरह से तो मैं इस बात को यहाँ पर पहला जो पक्ष है मतलब कि खुराक वाला भी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स सभी की जरूरत है हमें, प्रोटीन की भी जरूरत है, आयरन की भी जरूरत है, और तभी ये मिलकर आपस में वो एक अपना एक प्रभाव आपके सामने रखेंगे। अब हम शारीरिक सेहत की बात करते हैं, तो जितनी भी आज हम बीमारियों का नाम ले सकते हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और जो लाइफस्टाइल की डिजीज की बात है, उसके लिए जो दो तीन चीजें पहचानी, एक यह है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात है तो उसके लिए भी हम हमने फिर जिम शुरू कर दिया है, मतलब कि एक्सरसाइज की बात होती है, कभी योगा की बात भी होती है, कुछ घर में रहकर आप उसको अपने, ताकि मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे शरीर में जोड़ है, ज्वाइंट्स है हमारे, वो सारे के सारे ज्वाइंट इसीलिए बने हैं कि वो किसी ना किसी तरीके हमें हमें इस्तेमाल में आते हैं। हम कुछ भी करते हैं, चाहे हम पेन से लिखते भी हैं, चाहे हम कोई मजदूर है वो कही चलाता है या खुरपा चलाता है, माली काम करता है, हाँ कोई भी काम करते हैं, तो ये हमारे सारे ज्वाइंट्स उसमें एक्शन में आते हैं। अगर हमने सारे ज्वाइंट्स को अपने एक्शन में रखना है, तो हम देखते हैं कि जो जो ज्वाइंट इस्तेमाल नहीं होता, चाहे वो हमारा नी ज्वाइंट है, चाहे वो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, हमने देखते हैं, आप देख रहे हैं कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे जो ये कंधे हैं उनके जो ज्वाइंट है उनमें मतलब कि वो फाइब्रोसिस हो जाती है, वो जुड़ जाती है, वो हिलते नहीं है, पूरी तरह से काम नहीं करते, क्योंकि हमने उनको कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि अब कुर्सी पर बैठे हैं, बस थोड़ा बहुत पेन से काम करना है या कुछ से करना है, लिखने पढ़ने का काम है, तो जिसमें बहुत ज्यादा जो हमारा कंधे के जो ज्वाइंट है वो इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो हम फिर उस इस बीमारी से समझ रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि नेचर ने हमें जो दिया है वो सारी बातें, जिनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, हम अगर नहीं करेंगे वो, तो चाहे शरीर का कोई भी अंग है जो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे लगातार, तो वो एक एक समय पर आकर रुक जाएगा। तो ये एक दूसरा मतलब कि पहलू है
जो हमारे शारीरिक सेहत के साथ जुड़ा हुआ है, खुराक के बाद जो हमारा मतलब कि ये अब बात अगर मैं कर रहा था कि मन की बात कर रहा था तो मनोविज्ञान की बात करती है, और मनोविज्ञान के साथ जो मानसिक रोगों की बात है, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि मन के रोग है जो हमारे शरीर से नहीं जुड़े हुए। जैसे मैंने कहा कि भी हमने सारे के सारे जो अपने शरीर के अंग हैं उनका आपस में जो तालमेल है, उनका जो जुड़ना है, हमने उनको भी बहुत अच्छी तरह से मतलब कि हमने नहीं मतलब कि समझा है। इसी तरह से मन और शरीर को भी हमने दो अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है। जो मनोरोग विशेषज्ञ, मैंने 6 महीने तक एक मानसिक रोग विभाग में काम किया अपने शुरुआती दिनों में, तो मुझे मतलब कि एक एक दो घटनाएं याद है कि जैसे एक पेशेंट आया, उसको मतलब कि अपनी अपनी समस्या थी जो मानसिक समस्या, उसके बारे में उसने बात की। जाते जाते वो कहता कि मेरा ब्लड प्रेशर भी चेक कर दो। तो जो हमारे हेड थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक नहीं होता, आप 2 कमरे छोड़कर किसी मेडिसिन वाले के पास जाओ, वो चेक करेगा। तो मैं नहीं समझता कि भी ये कोई इतनी बड़ी समस्या थी कि ब्लड प्रेशर चेक नहीं हो सकता। एक और ऐसी था, एक लड़का था नौजवान, अपनी मदर को लेकर आया था, उसको कोई मानसिक समस्या थी। तो वो पहले पर्ची लेकर अंदर आया था कि मैं अंदर जाके देख लूं, डॉक्टर साहब को बता लूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माता जी को दिखाना है। तो उन्होंने पर्ची देखी तो उन्होंने कहा ये दवाई से ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, है ना, तो ठीक है इसी दवाई को खिलाओ। तो ये तो बात उन्होंने इतनी कर दी। वो कहता कि भी एक बार ना माता जी भी आपके दर्शन करना चाहती है। तो उसके मरीज की भावना थी कि मैं मतलब कि डॉक्टर से मिलूं। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं कोई गुरु हूं, मैं कोई महात्मा हूं, मेरे क्यों दर्शन करने हैं, ले जाओ बस इसे, ठीक है दवाई तो चल रही है, ठीक चल रही है, बस जाओ उसे ले जाओ। तो ये एक दो बातें जो थी उन दिनों, मुझे मतलब कि मैं कह लो कि स्टूडेंट था एक तरह का, तो मुझे बड़ा परेशान किया उस हमारे जो जो उस विभाग के मुखी से हेड थे भी, ये मतलब कि आप मानसिक समस्या का हल कर रहे हो, और जो आदमी दोनों जो मेरे सामने उदाहरण थे वो आपका दर्शन करना चाहती है, आप उसका वो भाव नहीं समझ रहे कि वो आपको एक बार मिल लेगी, उसको तसल्ली हो जाएगी। मैं तो बचपन में ये सुनता रहा कि उस डॉक्टर पर मुझे विश्वास है, उसके पास ही ले जाओ, है हमारी माता कहती थी। मैंने कहा था भी अच्छा डॉक्टर है, नहीं मेरे को उसके पास नहीं जाना, मुझे मेरी जो हमारा फैमिली डॉक्टर है उसी के पास ले जाओ। उसको इतना विश्वास था, जैसे हम कहते हैं कि ना वो चाहे कोई भी कुछ भी दे दे, वो जो खाएगी तो वो ठीक हो जाएगा, वो खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक विश्वास भी अपने आप में जो एक हमारा आपस में डॉक्टर मरीज का रिश्ता है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें हैं। अब धीरे धीरे हम पहले हम सोचते थे कि हमें बीमारी का पता चल गया, माइक्रोस्कोप के नीचे हमने कोई ढूंढ लिया, टाइफाइड का जर्म ढूंढ लिया, जैसे अब वायरस ढूंढ लिया, कोई पता चल गया, कोरोना में हमने देखा वो, हमें को पता लग गया एक वायरस है तो हमें उसकी शक्ल नजर आ गई, हमने देख लिया तो हमने समझ लिया कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ पता चल दिया। फिर हमने उसका चलो माइक्रोस्कोपिक जीनोम पता कर लिया, जिसका कोई आम आदमी का कोई लेना देना नहीं होता, उसे तो अपनी सेहत के साथ लगाव है कि भी मैं सेहतमंद हूँ कि नहीं, मैं सेहतमंद रह रहा हूं कि नहीं, मेरी समस्या का हल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम बल्कि उसको बहुत बारीकी से जान लेते हैं, ठीक है उसके उसके बाद उसका इलाज, उसकी वैक्सीन, ये बनना आसान हो जाती है। पर अब हम समझते हैं कि सिर्फ ये इतना जानना ही काफी नहीं है। जो एक मरीज का उसके बैक्टीरिया के साथ रिश्ता है, वही रिश्ता उसका एक उसके मन के साथ भी है, एक आपसी रिश्ते के साथ भी है। अब मैं तीसरी बात करता हूँ कि रिश्ते की बात है, तो रिश्ते के लिए भी कैसे वो हमारी सेहत को ठीक करता है। अब हमने देखा है कि कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर आकर, खासतौर पर जो लंबी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है या कोई और भी बीमारी हो, तो आपको अगर अस्पताल दाखिल होना पड़े तो मरीज की चिंता होती है कि मुझे कितने दिन दाखिल रहना पड़ेगा, और जैसे कैंसर हो जाए तो मरीज की भी चिंता होती है, घर वालों की भी चिंता होती है भी इसका इलाज कितनी देर चलेगा, या कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसकी अब उम्र कितनी है, मतलब कि अलग अलग कैंसर का अलग अलग हमें पता है, तो इस तरह से डॉक्टर से बात होती है। अगर वो कहते हैं कि डॉक्टर बताया कि आपके 6 महीने हैं, साल है, 5 साल है, ऐसी बात तो हम अक्सर करते हैं, ऐसा अक्सर हम भी सुनते भी हैं, आप भी को भी तजर्बा होगा। अब ये देखो कि आपको बता दिया कि आपके पास 5 साल है,
आप उसी दिन मरना शुरू कर सकते हो। कभी कह सकते हो कि अब तो मेरे पास 5 साल ही है, अब मेरा क्या जीने का मतलब है, तो आप 5 साल के बजाय 2 साल में भी मर सकते हो। और ये भी देखने में आया कि अगर आपको ये बता दो कि आपके पास 2 साल है और आप सोचो कि ये 2 सालों को मैंने एक बढ़िया जिंदगी के तरीके पर जी कर देखना है, जीना है, और जितना भी मैं कर सकता हूँ अपनी समर्थता के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, तो वो फिर 2 साल के 20 साल भी बना लेते हैं और 20-20 साल तक वो जिंदा रहते हैं और ठीक रहते हैं, बड़े स्वस्थ रहते हैं। और कई बार तो डॉक्टर को विश्वास नहीं होता कि भी इसको तो ये समस्या थी, ये बीमारी थी, और हमारी किताबों में तो ऐसा है नहीं, तो ये कैसे इस तरह से मतलब कि बढ़िया जिंदगी जी गया। तो ये जो सामाजिक रिश्ते है, बड़ी छोटी सी मतलब कि एग्जाम्पल है कि एक अस्पताल में कोई दाखिल होता है और वो उस अस्पताल में दाखिल है, उसको मिलने के लिए उसके रिश्तेदार आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। हमने ये देखा कि अक्सर हम अब बात करते हैं कि हम मरीज को मिलने नहीं देते भी, नहीं वो डिस्टर्ब होगा, उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, इसको मिलने से रोका जाए, या एक टाइम रख देते हैं। पर ये देखने में जिसको ज्यादा लोग मिलने के लिए आती हैं वो जल्दी ठीक होता है, मतलब कि उसको जो समाज से उसका जुड़ाव है, उसका उसको लगता है कि मेरे मेरे साथ कितने लोग हैं, कितने लोग मेरी चिंता करते हैं, कितने लोग मेरे मुझसे प्यार करते हैं, है ना। तो ये जो बातें हैं ये भी आपकी मतलब की सेहत को मतलब की बढ़िया करती हैं। दवाइयों के साथ साथ अगर हम मन और रिश्ते जो हैं इनके ऊपर भी हम मतलब की ध्यान देंगे तो मैं सोचता हूँ कि वही एक मुकम्मल और मतलब की ये बात है कि हमें संपूर्ण सेहत की बात है। और मैं इस बात को अभी पहले इससे को अगर बाद में जो सवाल जवाब होंगे उनका बात करेंगे, मैं एक चीज और आखिर में जोड़ना चाहता हूँ। मैं तो भी बात कर रहा हूँ हमारे शरीर की सेहत की और हमारे शरीर की सेहत के साथ साथ खुराक की बात कर रहा हूँ, या आपसी रिश्तों की बात कर रहा हूँ, परिवार की बात कर रहा हूँ, मतलब कि ये हमारे समाज में हमारे पड़ोस में कैसे रिश्ते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो एक अलग बात है कि हम उन रिश्तों को कैसे हम धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, परिवार भी टूट रहे हैं हमारा, और पड़ोसी की बात तो अलग करें। एक सिंपल सा उदाहरण मतलब कि अगर कहूँ कि हमारे पास आजकल इंटरनेट है और हमारे पास मोबाइल फोन है, घर में हम 4 लोग हैं, चारों के पास मोबाइल है और हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो कि हमारे पास फेसबुक पर 5,000 दोस्त बनाने की उन्होंने दी हुई है हमें छूट, कि आप 5,000 तक दोस्त बना सकते हो, आप रोज उसमें से रोज एक तो दोस्त जोड़ते हो। आप चाहते हो कि अब आपके साथ कोई जुड़े, आप चाहते हो कि रोज आपके जो आपने कोई पोस्ट डाली है उसको कोई लाइक करे, उसके ऊपर कमेंट करे, फिर उसके उससे आपको जो खुशी मिलती है। पर दूसरी बात यह है कि आप दोस्त चाहते हो, मिलना चाहते हो, रिश्ता चाहते हो, पर आप अपने जो ये है ये आपको हेल्प नहीं करता, हेल्प कुछ नहीं कर रही है, आपके पड़ोस नहीं कर रही है, आपके मान लो आपका बेटा है, आपके बच्चे हैं, दूर हैं, अब आपके और जो भाई बहन है काम के वजह से वो अलग रहते हैं, आप अलग रहते हैं, वो आपको आवाज लगाने से वो नहीं आएंगे, आपके 5,000 दोस्त भी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पर वो भी नहीं आएंगे। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आपके पास सबसे पहले आपका पड़ोसी आएगा, और पड़ोसी से आपका रिश्ता क्या है ये आप खुद समझ सकते हैं कि वो धीरे धीरे हम उसको बहुत दूर दूर करते जा रहे हैं। तो ये एक बात थी, और जो मैं कहता हूँ कि जो इससे बाहर जाने की बात है वो है हमारा हमारी नेचर, हमारी कुदरत। कहने का मतलब जब हम सेहत की बात करते हैं सॉरी, तो हम हवा की बात भी करते हैं, हवायु प्रदूषण की बात भी करते हैं, पानी की बात भी करते हैं, मिट्टी की बात भी करते हैं, जो हवा पानी मिट्टी है ये जो कुदरत है, मिट्टी में जो फल और जो सब्जियां की बात मैंने की है वो मिट्टी में ही उगनी है, वो मिट्टी कहाँ से आ रही है, उसको कैसे हमने मतलब की खादें डाल डालकर, दवाइयां डाल डालकर उसको भी खराब किया है और पैदा होने वाली फसलों को भी किया है। हवा और पानी को भी हम प्रदूषित करने पर लगे हुए हैं। कहने का मतलब अगर हम सारी कुदरत की बात करें तो हम सही मायने में हम उसको समझ ही नहीं सकेंगे भी हम भी कुदरत का एक हिस्सा है। अगर बड़ी साधारण सी बात है कि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, जैसे मैं कोरोना के उदाहरण दे रहा था, कोरोना में हमने ऑक्सीजन खरीदी, ऑक्सीजन के पैसे दिए, ऑक्सीजन के बगैर मरे, और हमने लोगों को अपने कंधे पर सिलेंडर उठाते हुए देखा,
वो एक समय था जब हमें समझ आई भी ऑक्सीजन भी कोई चीज होती है। अगर हम रोज कहें कि हमें हमारी जो जो कुदरत के साथ हमारा जो रिश्ता है, सबसे बड़ा रिश्ता है कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? कुदरत से आएगी, कुदरत में पेड़ों से आएगी। फल जो जो हमने घर में अपने छोटे मोटे ही, चाहे अपने गमलों में ही वो घास लगा रखी है, सब्जियां लगा रखी है, कोई पत्ते जो मतलब कि फूल लगा रखे हैं, उनसे आएगी। और जब जो हम बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी हमें अब बहुत फिक्र है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तपश बढ़ रही है, और वो हमने वो संतुलन नहीं बनाया है, वो जो जिंदगी का संतुलन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसको संभालना किसने है? पेड़ों ने। उन पेड़ों को हम बहुत अहमियत नहीं दे रहे हैं, हम उसको काट रहे हैं। जितने पेड़ हमें चाहिए, जिसको हम कहें कि हमें जंगल का जंगल के लिए जितनी जगह होनी चाहिए, वो हम बहुत काम करते जा रहे हैं। उसकी लकड़ी है और जो सामान है उसको इस्तेमाल करने में हम लगे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो कुदरत के साथ जो रिश्ता है, उसको भी अगर हम समझें तो हम समझ सकते हैं कि हमें मुकम्मल सेहत के लिए जो चाहिए वो ये है कि ये नहीं कि हमारा जो शरीर है उसको भी हम तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश करें, आंखों को अलग से, दिल को अलग से, फेफड़ों को अलग से, और जो हमें सेहतमंद रखने के लिए खुराक चाहिए उसको भी हम तोड़ तोड़ कर देखें, तो हम देख सकते हैं कि हम सब कुछ तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं। हमारे जो विभाग भी, आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वालों का कोई लेना देना नहीं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वालों से, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वालों का कोई लेना देना नहीं पॉलिटिकल साइंस से। तो सभी विभाग भी जो है हमने धीरे धीरे बांट कर सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। दरअसल ये जो तरीका है बांटने का, ये असल में ये बाजार को बढ़ावा देने वाला तरीका है। आप बाजार के साथ जुड़ती हैं और जो बाजार है वो अपना सामान बेचना चाहता है। आपको हार्ट के लिए, जो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए आपको सामान मिलेगा, अलग से मिलेगा, है ना, जबकि मैंने कहा कि हार्ट कोई अलग नहीं है। इसी तरह से आपको फेफड़ों के लिए अलग से मतलब की कहानियां मिलेंगी, सुझाव मिलेंगे। और सोशल मीडिया तो अब आपको मतलब की हर इस बात के लिए आपको रोज के रोज, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मोटापे के लिए अलग से मतलब की एक सर्जरी अलग से होने लगी है, और मोटापे के लिए 100 लोग लगे हुए होंगे, मतलब कि अलग अलग तरीकों से। 100 लोग का मतलब है कि 100 अलग अलग तरीके हैं हम आपको भार घटाने के लिए। आपको रोज, आप अपने मोबाइल पर रोज देखते होंगे कि बगैर दवाइयों के, बगैर किसी एक्सरसाइज के अपना भार घटाएं, तो ये हमें रोज मिलता है। कोई पानी से भार घटा रहा है, कोई एक्सरसाइज से भार घटा रहा है, कोई खुराक से भार घटा रहा है, कोई प्रोटीन खिलाकर भार घटा रहा है। तो कहने का मतलब ये एक मतलब कि तरीका है अपना माल बेचने का। हमें संपूर्णता में कोई समझाने की तरफ नहीं आ रहा है, जबकि हमें ये सब मिलाकर संपूर्णता और मुकम्मलता से समझना होगा, सोचना होगा, तभी ही सही मायने में जो कह सकते हैं कि एक संपूर्ण सेहत की बात को समझ पाएंगे, और तभी हम अपने आप को सेहतमंद रख पाएंगे। फिलहाल मैं अभी अपनी सारी बात को यहीं पर रोकता हूँ, और आपके फिर कोई आपके सवाल जो आप प्रश्न होंगे, मुझे लगता है कि होंगे, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। और जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, मुकम्मल सेहत की बात करते हैं, तो हमारे पास कई ऐसे कश्मकश हैं कि कोई हमें क्या कह रहा है, कोई हमें क्या बता रहा है, और सच में सच क्या है, और असलियत क्या है, और क्या है मतलब कि उसको समझना कैसे है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जरूर आपके पास सवाल होंगे, फिर मैं उनका जवाब दूंगा। मैं अभी आपके साथ थी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अल्टीमेट। पहले तो दोस्तों जिनके भी प्रश्न है वो अपने प्रश्न चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, सर से हम वो क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। सर आपकी बातों से एक बात ये लगी कि हम लोग ना कहते अपने आप को साइंटिफिक है, लेकिन अभी भी हम जादुई दुनिया में खोए हुए हैं कि कोई जादू होगा तो जिससे हम ठीक हो जाएंगे ना। एक दवाई देंगे उससे जादू होगा तो उससे हम ठीक हो जाएंगे, बीमारी से नहीं डर लगता, बीमारी आने दो। जैसे एक रिसेंटली मेरी बात हो रही थी, भी आदमी को आइडल वेट में होना चाहिए, तो वो कहते कि रिसेंटली ना एक टिकटॉकर है 21 ईयर्स की, बहुत फिट और बिल्कुल स्लिम, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई है ना। आजकल किसी की भी किसी भी तरीके से हो सकती है ना। तो
इतना एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे आप एक तो ये झलक पड़ती है कि हम कहते अपने आप को साइंटिफिक है, लेकिन रहते अभी भी हम मिराकुलस दुनिया में है कि दवाई से ठीक हो जाएंगे, स्टंट से ठीक हो जाएंगे, फलानी चीज से, मिलेट से ठीक हो जाएंगे, ये खाया उससे ठीक हो जाएंगे। इसके ऊपर आपके कमेंट चाहेंगे सर। नहीं बिल्कुल, मतलब कि ठीक बात है। मतलब कि जो कि 50 साल, मैं पिछले कई समय से कह सकता हूँ 8-10 साल से, मतलब कि देख रहा हूँ कि ना 50-50 साल के लोगों की जो डेथ हुई है, मतलब कि वो एक्टर भी हैं कईयों की, मतलब कि जिम जाने की भी एक प्रक्रिया है उनको, उन्होंने अपने डाइटिशियन भी रखे हुए हैं, मतलब कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो एक्टर है और इस तरह से उस दुनिया से जुड़े हुए हैं। अगर उनकी डाइट भी ठीक है और वो मतलब कि एक्सरसाइज के लिए भी कॉन्शियस है, तो फिर उनके हार्ट अटैक का क्या कारण है, ये एक बात समझ गया। दूसरा, कुदरती मैंने पिछले साल ही ना, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि मैं हेल्थ पर काम करने के लिए सोच रहा था, तो मैंने 80 साल के लोगों की इंटरव्यू की, 10-12 लोग ही, ज्यादा मतलब कि नहीं, उनको मैंने इंटरव्यू, मैंने उनको एक बुकलेट में छापा भी था। वो 80 साल के हैं और फिजिकली और मेंटली बहुत मतलब कि कॉन्शियस है, मतलब सचेत बिल्कुल। उनसे बात कर लो, आपको कहीं लगे अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई फॉरगेटफुलनेस है, कोई भूल, जैसे हम डिमेंशिया की बात करते हैं 70-80 साल के बाद, तो वो सभी थे। मैंने उन लोगों से जाकर मतलब कि बात की, तो उन सभी के ठीक है कि अलग अलग अपने अपने तजर्बे थे, पर दो एक दो बातें जो मुझे सबसे मतलब कि सामने कॉमन लगी वो ये था कि जब आप टेंशन की बात है, एक तो भी टेंशन आपको बहुत नुकसान करती है, जिसको हम अभी बहुत तरीके उस संजीदगी से नहीं ले रहे। हम हार्ट डिजीज की बात मतलब की तो हम हार्ट डिजीज के लिए बहुत सारे तरीके भी निकाल लिए उसको ठीक करने के लिए, स्टंट वगैरह बन गए और हमने दवाइयां वगैरह भी बहुत ज्यादा निकाल ली। ये देखने में आया कि सबसे बड़ी जो है वो जिंदगी में जो हमने इन दिनों मिस की है पिछले 50-60 सालों में, वो है कि जिंदगी में आपको किस काम से संतुष्टि मिलती है, किस काम से खुशी मिलती है। संतुष्टि से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि खुशी की बात है, आप किस बात को करके आनंदित होते हैं, आनंद की बात है वो, आपके जिंदगी में है कि नहीं है, वो आपको कैसे मिलता है। अगर हम पैसे की दौड़ में लगेंगे और हम पैसे मतलब कि इकट्ठे करके, जैसे कहते हैं कि आपको बिस्तर आप खरीद सकते हो पैसे से, बहुत गद्दे बढ़िया खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते, तो वो जो नींद है आपको, जब आप रात को सोते हो और आपको नींद आने में कोई मुश्किल नहीं है, तो वो स्थिति आपकी जिंदगी में है कि नहीं है, वो एक बहुत जरूरी बात है। अगर हम कहें कि जो एक्टर है, मैंने पीयूष से कहा कि वो एक्टर था, वो फिजिकली भी जरूर फिट था, नजर आता था उसके 5-6 पैक्स जो आजकल जिम में वो जिसका अब चलन हुआ हुआ है नौजवानों में, वो भी था। जैसे मतलब कि लड़कियों में दूसरा है स्लिम इज ब्यूटीफुल, उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा मेहनत तो मतलब कि लड़कियां करती हैं, लड़के अपने पैक दिखाने के लिए या बनाने के लिए मेहनत करती हैं, परंतु जो दौड़ है अभी, मैंने पहुंचना कहाँ है, कैसे पहुंचना है, कैसे कमाना है, कौन सा पैकेज मिलेगा, कौन सी इंडस्ट्री में जाऊंगा, वहां पर जाऊंगा, तो एक के बाद हम देखते हैं कि अब एक इंडस्ट्री में गए तो दूसरी में चले गए, तीसरी में चले गए, स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब कि वहां से 1 लाख मिलता था, किसी ने कहा कि तुम्हारे पास आ जाओ 1.5 लाख दे देंगे, तो हम इतनी जल्दी तेज रफ्तार से मतलब कि आगे आगे की आगे तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी जो लॉयल्टी नहीं है, वो लॉयल्टी नहीं है तो वो उस काम में खुशी भी नहीं है। हमारा ये है कि भी मैं कैसे वो कमाऊँ, ये बातें मतलब कि हमें समझने की जरूरत है। और खुशी कहाँ से मिलती है ये भी हम मतलब कि थोड़ी सी उसको भी समझने की जरूरत है। मैं जब मतलब कि कोरोना के टाइम पे मैं थोड़ा सी रिसर्च कर रहा था कि जब उदासी और निराशा बहुत थी, तो मुझे कहीं से मतलब कि मिला कि जो हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में है, चार हार्मोन्स हैं, चारों का मैं नाम बता सकता हूँ, ऑक्सीटोसिन है, सीरोटोनिन है, डोपामिन है, एंडोर्फिन है, ये चार हार्मोन्स हमारे नेचुरल हार्मोन्स हैं बॉडी में, ये बॉडी में पैदा होती है, ये हैप्पीनेस हार्मोन है, कोई भी उसको जाके इंटरनेट पर चेक कर सकता है, यू कैन राइट हैप्पीनेस हार्मोन्स, आपको ये चारों हार्मोन्स उसमें नजर आएंगे। पैदा कैसे होती है ये बात जानने की जरूरत है, कि हम ये सोचते हैं कि खुशी हमारे अंदर होती है ना, खुशी तो हमारे अंदर है, ये तो हमारी चॉइस है, अभी हम खुश रहना है कि नहीं रहना, ऐसी बात नहीं है, ये चॉइस हमारी नहीं है,
जब तक आप समाज से नहीं जुड़ते, लोगों से नहीं जुड़ते, ये जो चारों हार्मोन्स है तभी पैदा होती है जब आप किसी की मदद करते हो, जब आप किसी के गले लगते हो, जब आप किसी को सहारा बनते हो, जब किसी से हाथ मिलाते हो। ऑक्सीटोसिन जो जो हार्मोन है वो तब पैदा होता है जब बच्चा माँ के साथ लिपटा होता है, माँ के साथ वो सोया होता है, माँ का दूध पी रहा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, ऑक्सीटोसिन। तो वो मिलाप का, और जो उससे उसको बच्चे को खुशी मिल रही है, तसल्ली मिल रही है, सेटिस्फेक्शन हो रही है, और माँ को भी हो रही है, वो जो मतलब की है खुशी का हार्मोन है, वही वही ऑक्सीटोसिन है। आप अपने किसी भी साथी को मिलते हो, दूर से हेलो करते हो, एक आप उसको गले मिलते हो, गलवक्कड़ी पान की गल हैगी है, कलावे वे लेने की बात है, मतलब की आप उसको लेते हो, तो वो है। और बड़ी सिंपल सी बात है वो, तो चलो मैं कहता हूँ कि अपने आपके दोस्त है, आपकी घर के रिश्तेदार हैं जिनको आप मिल रहे हो, जहां पर आपको इस तरह से करना पड़ता है। आप किसी लाचार आदमी को एक सड़क के किनारे पर खड़ा हुए देखते हो, आप उसको कहते देख कर कहते हो कि ये सड़क पार करना चाहता है, आप उसके पास जाते हो और उसको आप सड़क पार करवाते हो, फिर जो उसके चेहरे की जो खुशी होती है, और वो फिर वो आपके चेहरे में आती है, आपके मन में आती है, आपके दिल में आती है, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। तो ये खुशी के जो हमारे पास स्रोत है, जो सोर्सेज है, अगर मैं कहूँ तो हम हमारा आपस में क्या रिश्ता रहता है, भी मैंने इसको दे दिया इससे मुझे क्या मिलेगा। आपने दिया है ना, आपने उसका हाथ पकड़ कर उसको पार करवाया, आपने उसको दिया, अब आप ये सोचो कि अब मुझे इससे क्या मिलेगा, मैंने इसको क्यों पार करवाऊं सड़क, है ये बात नहीं है। खुशी का मतलब कि सीधा का सीधा संबंध जो है वो देने से है, लेने से नहीं है। तो मतलब कि आज जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें हेल्थ की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, हैप्पीनेस इंडेक्स भी है। आज हैप्पीनेस इंडेक्स में सब कुछ है, उसमें एक चीज जो खास है जो मैं बात कर रहा था वो है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब ही यही है, आपकी खुलदिली है कि आप कितना किसी को दे सकते हो, ये जेनरोसिटी है। जब तक जिस देश में, जिस संस्था में, जिस आदमी के अंदर जेनरोसिटी नहीं है वो खुश नहीं रह सकता। मुझे अपने, मैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, कार्ल मार्क्स की एक लाइन याद है, उसने कहा था कि दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा मैंने देखे हैं खुश हैं जो किसी को और को खुश करने के लिए काम करते हैं जिंदगी में। तो किसी और को खुश करने से जो आपको खुशी मिलती है उससे बड़ी खुशी मतलब कोई नहीं है। और वो हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहे हैं, हम जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, जितनी बढ़िया खुराक खा लें, जितनी मर्जी अच्छे प्रोटीन की बात कर लें, वे प्रोटीन तक हमने खोज कर ली है, परंतु फिर हम देख रहे हैं कि अगर हमने अल्टीमेटली उस हार्ट अटैक से ही मतलब कि मरना है तो कहीं ना कहीं फिर हमें दोबारा सोचने की जरूरत है कि अल्टीमेटली ये कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो खुशी की बात है, अगर मैं कहूँ कि सारी बात मैंने जरूर की है, कि हमारे सिस्टम की बात है, हमारे अलग अलग खानों की बात है, तो जो सोशल मतलब कि मैं बात कर रहा था कि सोशल एस्पेक्ट है, जो रिलेशन की बात है, उस रिलेशन से आपको खुशी मिलती है तो वही है। ये नहीं है कि खुशी आपको कुछ रिलेशन से लेनी है, आपके ऑफिस में आपने अपने बॉस को खुश करके उसको खुश करना है और फिर आपसे उसको कुछ मिलेगा तब आपने खुश होना है, वो नहीं है। ये खुशी और वो ये रिश्ता जो हमें लोगों के साथ बनाना है, करना है, उस रिश्ते को समझने की जरूरत है। हाँ जी।